हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सूर्यकांत सूर्यवंशी। आयुष काउंसलिंग में BMS एंड BHMS का मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। अगर इन केस आप नहीं देखे हैं तो आयुष काउंसलिंग के साइट पे मेरिट लिस्ट चेकआउट कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस साल BMS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हो सकता है। तो ओनली डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। इससे अगर नीचे आपका नंबर होता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें कि इस साल BMS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो बेस्ड ऑन योर मैरिट लिस्ट एंड सेकेंड राउंड MBBS काउंसलिंग एंड फर्स्ट राउंड BPT फिजियोथेरेपी काउंसलिंग, तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्री अगर हम कैटेगरीज वाइज देखें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, तो फर्स्ट अगर हम कॉलेज देख ले छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, तो ओनली टू कॉलेज इन छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर द आयुर्वेदिक BMS के लिए। तो फर्स्ट है श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, और दूसरा बिलासपुर में स्थित है शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिलासपुर। तो दोनों में अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे का सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा, एंड दूसरा जो स्टेट कोटा है उसका काउंसलिंग छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग कंडक्ट कराया है। तो इसमें अगर हम सीट्स देखें तो सीट्स है हमारा 64 रायपुर आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और बिलासपुर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए 64। तो टोटल हम 128 सीट्स हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे ओनली गवर्नमेंट कॉलेज का। तो इससे जस्ट नीचे आपका नंबर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है। और रिजर्व कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो स्टार्टिंग हमारा नीट स्कोर होगा वो 596 596 नंबर, जो आप सेफेस्ट आपको मिलने का चांसेस है 535 नंबर। तो जिन भी अनरिजर्व कैटेगरी के 535 नंबर से ऊपर स्कोर है तो उनको मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो आपका 590 नंबर से 495 नंबर या 495 नंबर प्लस आपका है नीट स्कोर, तो आपको ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 485 नंबर से 425 नंबर या 425 नंबर प्लस आपके नंबर हैं, तो एसटी कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट में आयुर्वेदिक में एडमिशन मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें कट ऑफ डाउन जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये कट ऑफ आपका मैरिट लिस्ट और जो सेकेंड राउंड MBBS काउंसलिंग का जो कट ऑफ गया है और फिजियोथेरेपी उसके बेस्ड पे है। तो अगर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स देखें तो 360 नंबर से 320 नंबर के बीच अगर आपका नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज BMS के लिए अलॉट हो सकता है। EWS कैटेगरी में देखें तो 590 नंबर से 515 नंबर के बीच अगर आपका नीट स्कोर है 2024 में तो आपको EWS कैटेगरी से गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल सकते हैं। इस जो काउंसलिंग है उसमें भी आपका अगर हम अदर कॉलेज का देखें तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने फर्स्ट में दो गवर्नमेंट कॉलेज का देखे थे, तो थर्ड में अगर हम प्राइवेट कॉलेज का देखें तो राजीव लोचन दुर्ग में 51 सीट्स एंड आपका भारती कॉलेज में 85, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ आयुर्वेद कॉलेज में 85 सीट्स एंड महावीर कॉलेज राजनांदगांव में 51 सीट्स हैं। तो अगर BHMS की बात करें तो इस साल दो ही कॉलेज हैं, तो रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय रामकुंड रायपुर, एंड सेकेंड है श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा BNY का एक ही कॉलेज है। एक और BHMS कॉलेज होता था बिलासपुर में, वो इस साल उनको मान्यता नहीं मिला है। और BHMS का देखें तो ओनली वन कॉलेज रायपुर में है, इसके आपके स्टेट कोटा का 42 सीट्स हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज है उनके ऑल इंडिया सीट्स
भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरा जाएगा। तो अगर हम देखें तो प्राइवेट कॉलेज के जो ऑल इंडिया कोटा है, जैसे राजीव लोचन दुर्ग के ऑल इंडिया कोटा के 9 सीट्स, भारती कॉलेज दुर्ग के 15 सीट्स एंड छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के 15 सीट्स एंड महावीर कॉलेज राजनांदगांव 9 सीट्स। बीएचएमएस के लिए जो रायपुर में एक कॉलेज है उनका भी ऑल इंडिया कोटा का सीट भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरा जाएगा, तो 8 सीट्स हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट करें, एज पॉसिबल आपको आंसर दिया जाएगा। अगर यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।